हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं बेर के प्रमुख कीट और उनके प्रबंधन के बारे में। गाइस, बेर जो है जिफस मॉरिसियाना, ये फैमिली रैमनेशी के मेंबर होते हैं, जिसको चाइनीज़ डेट बेर या चीनी एप्पल या चिंकी एप्पल, जो भी इंडियन प्लम, इंडियन जो भी, या मसुआ के नाम से जानते हैं। गाइस, बेर जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। काफ़ी फेमस फ्रूट है, जिसको बहुत ही चाव से पूरे ऑल इंडिया में खाया जाता है। ये अलग अलग वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप और साइज़ के अवेलेबल होते हैं, अलग अलग शेप और साइज़ के मिलते हैं। ये ओवल शेप्ड, ओबोवेट, एबलोंग, राउंड या कई प्रकार के अलग अलग शेप के हो सकते हैं। द स्पीसीज इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ अ स्पाइनी एवरग्रीन श्रब और स्मॉल ट्री अप टू 15 मीटर हाइट विथ ट्रंक 40 सेंटीमीटर और मोर इन डायमीटर। इनके जो ट्री होते हैं, लगभग 40 सेंटीमीटर डायमीटर के ट्रंक होते हैं इनके ट्री के, ये छोटे श्रब या फिर छोटे ट्री हो सकते हैं। द फ्रूट इज गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन, विटामिन ए एंड विटामिन सी। जो बेर के फ्रूट होते हैं, बेर के जो फसल होते हैं, वो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्टेड होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट के एज ए होस्ट, ये जो बेर का क्रॉप है, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट का होस्ट के रूप में काम करता है, जिसमें से मेजर पेस्ट जो हैं वो हैं फ्रूट फ्लाई और फ्रूट बोरर। बेर के पौधे में लाख की भी खेती की जाती है। लाख लाख इंसेक्ट को इस पे डाला जाता है कैरियर लेकर। कुछ लीफ ईटिंग कैटरपिलर और लीफ वेबर भी होते हैं, जो कि बेर की खेती को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बट मेन इंसेक्ट पेस्ट इज़ फ्रूट फ्लाई एंड फ्रूट बोरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेर फ्रूट फ्लाई की। बेर फ्रूट फ्लाई ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली टेफ्रिडिटी के मेंबर होते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान में, मेनली इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों में ये पाए जाते हैं। ये जो बेर फ्रूट फ्लाई जो होता है, ये मोनोफेगस पेस्ट होता है, इसलिए बेर के अलावा किसी अन्य क्रॉप पर अटैक नहीं कर पाता। ये बेर के विभिन्न प्रजाति या वाइल्ड स्पीसीज जो हैं, जिफस रोटेंडिफोलिया, उस पर ये इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं। डैमेजिंग सिम्टम्स, इन्फेस्टेशन स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग होते ही इन पेस्ट का अटैक स्टार्ट हो जाता है। फीमेल फ्लाइज जो है अपने ओविपोजिटर की मदद से फ्रूट के स्किन के जस्ट नीचे या फ्रूट क्लस्टर के अंदर में अपने अंडे छोड़ते हैं। फीमेल फ्लाइज इंसर्ट एग अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट्स इन क्लस्टर। जो अपने ओविपोजिटर को, जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के अंदर ही अपने अंडे क्लस्टर में छोड़ते हैं। द एक्सक्रीटा ऑफ लार्वा एक्यूमुलेट इन द गैलरीज, विच में समटाइम्स रिजल्ट इन रोटिंग ऑफ द फ्रूट। इनके एक्सक्रीटा की वजह से ही जो फ्रूट होता है पूरी तरह से सड़ जाता है, रॉट हो जाता है, फ्रूट में रॉटिंग होते हैं। इन्वेस्टेड जो फ्रूट होते हैं वो विकृत होते हैं, उनका जो शेप और साइज होता है वो इरेगुलर होता है, वो जो फ्रूट के रेगुलर साइज होते हैं उससे कहीं अलग दिखाई देता है इन्फेस्टेड फ्रूट। और साथ ही इन्फेस्टेड फ्रूट के अंदर में एक से अधिक लार्वी एक साथ दिखाई देते हैं। इनके लाइफ साइकिल की अगर बात करें, तो फीमेल फ्लाइज इंसर्ट एग अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट इन द क्लस्टर ऑफ 10 to 50, अबाउट 1 mm बिलो द फ्रूट सरफेस। फ्रूट सरफेस के फ्रूट के अंदर लगभग 1 mm अंदर ये जो इंसेक्ट होते हैं 10 से 50 अंडे फ्रूट के अंदर छोड़ते हैं। और ये जो अंडे होते हैं, इनकी हैचिंग 1 से 4 दिन के अंदर हो जाता है। एक जो होता है ये वाइट होता है, जो कि हल्का लंबा होता है,
वाइट कलर का, जिसका हैचिंग 1 से 4 दिन के अंदर हो जाता है। और इनके जो लार्वे होते हैं उनमें 3 स्टेज होते हैं, 3 लार्वल स्टेज होते हैं, दैट मीन्स 3 इंस्टार होते हैं। द इंटायर लार्वल स्टेज लास्ट फॉर 11 to 15 डेज, लगभग 15 दिन में इनका लार्वल पीरियड ख़त्म हो जाता है। और 15 दिन के पश्चात ये लगभग 10 दिन के लिए प्यूपेशन में चले जाते हैं, ये प्यूपा बन जाते हैं। वेन मेच्योर लार्वा ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड प्यूपेट इन द सेल सॉयल। ये जो इंसेक्ट होते हैं, जब लार्वा पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, लार्वा बड़े हो जाते हैं, प्यूपा बनने लायक हो जाते हैं, तब फ्रूट से बाहर निकल के नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं और अर्धेन प्यूपा बनाते हैं। द प्यूपेरियम इज येलोइश ब्राउन एंड शीड लाइक। एडल्ट एमर्ज इन अबाउट 10 डेज, एडल्ट होते हैं लगभग 10 दिन में बाहर निकल आते हैं। और फीमेल फ्लाइज बिगिन टू ले एग अबाउट 8 डेज आफ्टर एमर्जेंस फ्रॉम द प्यूपेरियम। इस तरह से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लगभग 30 से 45 दिन तक चलता है। फीमेल बिगिन टू ले सॉरी ये जो फीमेल होती है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1200 से 1500 अंडे देती है। इनके लाइफ साइकिल में 4 स्टेज आते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। इस तरह से इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्लीन कल्टीवेशन अपनाना चाहिए। क्लीन कल्टीवेशन, फील्ड सैनिटेशन, हैंड पिकिंग, हम ये सब चीज़ अपना सकते हैं। जो अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनको हैंड पिक, हाथ से फिजिकली पिक करके हैंड पिकिंग के द्वारा उन्हें नष्ट किया जा सकता है, उन्हें जला देना चाहिए। डिस्ट्रॉय द हाइबरनेटिंग प्यूपा बाय एक्सपोजिंग देम टू ब्राइट सनलाइट। पौधे के आसपास में जुताई करके जो हाइबरनेटिंग में प्यूपा होते हैं उन्हें एक्सपोज करके, सनलाइट में एक्सपोज करके नष्ट कर सकते हैं। कुछ फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं, जस्ट लाइक सफ़ेदा लीची, चाइनीज़ बेर इत्यादि। ये सब जो है रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं, इनका हमें कल्टीवेशन करना चाहिए। मैकेनिकल कंट्रोल में हम सेट फ्लाई ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और फेरोमोन ट्रैप और फ्लाई ट्रैप हम यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम इसके लिए नीम पाउडर या टोबैको लीफ एक्सट्रैक्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी फीडेंट के रूप में काम करता है। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके ओई पोजिशन जो साइट होता है उसको चूज़ करने में, ओई पोजिशन साइट को ये ब्लॉक करके रखते हैं। दैट मीन्स ये जो केमिकल्स हैं नीम पाउडर या टोबैको लीफ एक्सट्रैक्ट, इसका अगर स्प्रे करते हैं तो इंसेक्ट जो है अंडे नहीं देते हैं फ्रूट के ऊपर। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक डाइमेथोएट, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। डाइमेथोएट 30 EC का या फिर मैराथियन 50 EC का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज बेर फ्रूट बोरर। बेर फ्रूट बोरर ऑर्डर लेपिडिप्टेरा फैमिली कार्पोसिनिडी के मेंबर होते हैं। ये इंडिया के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। ये भी मोनोफेगस पेस्ट होते हैं जो बेर के अलावा अन्य क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाते। बेर के वाइल्ड स्पीसीज जिफस रूटेंडिफोलिया इत्यादि पे बहुत काफ़ी हद तक अटैक करते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये बेर के फ्रूट को छेद कर उसके अंदर घुस जाते हैं और उसे पूरी तरह से डैमेज करते हैं। इनके डैमेजिंग सिम्टम्स जो है वो हमें आसानी से फ्रूट के ऊपर दिखाई देता है। इस इंसेक्ट के द्वारा, बेर फ्रूट बोरर के द्वारा, बेर के उपज में लगभग 70% तक की लॉस हो सकती है। द मंथ ले एग्स ऑन फ्रूट एंड हैचिंग द न्यूली एमर्ज कैटरपिलर बो इनटू फ्रूट एंड फीड ऑन द पल्प नियर सीड एंड एक्यूमुलेट फेसल। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके फेसल से, इनके एक्सक्रीटा से फल जो है पूरी तरह से सड़ जाते हैं। बीज के चारों तरफ के जो पल्प होते हैं मेनली उसी को ये इंसेक्ट खाते हैं ज़्यादा। द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टार लार्वे फीड ऑन द फ्रूट
सुपरफिशियली, बट थर्ड एंड फिफ्थ इंस्टार लार्वे फीड्स इंटरनली एंड डैमेज द पल्प अराउंड द सीड। एट इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट द फुली ग्रोन लार्वी फाउंड टू फीड ऑन सॉफ्ट इमेच्योर सीड। सॉफ्ट इमेच्योर सीड पे भी ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके लार्वी फीड करने लगते हैं। इनके अगर लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने एक बार में लगभग 14 अंडे देते हैं, जिसका इनक्यूबेशन पीरियड लगभग 4 से 5 दिन का होता है। 4 से 5 दिन में एग का हैचिंग हो जाने के पश्चात में जो लार्वी होते हैं वो लगभग 12 से 20 दिन तक लार्वल स्टेज में होते हैं और ये फ्रूट पे फीड करते हैं। आर अर्ली स्टार लार्वा इज लाइट येलो एंड ब्राउन कलर, फुल ब्राउन और रेड इन कलर। प्यूपा जो है वो लगभग 14 से 18 या 8 से 9 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। दैट मीन्स जो लार्वी स्टेज है लगभग 15-20 दिन में कंप्लीट होते हैं और जो प्यूपा स्टेज है लगभग 8-9 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। जो एडल्ट मोथ होते हैं, एडल्ट मोथ इज स्मॉल डार्क ब्राउन इन कलर एंड फिंग्ड विंग्स एंड लाइफ साइकिल कंप्लीट विद इन 26 to 32 डेज। एवरेज 35 डेज के अंदर में ही इस इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं स्मॉल साइज मोथ होते हैं। इस तरह से इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, एक एक लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट। मैनेजमेंट गाइस, इनके मैनेजमेंट के लिए इस इंसेक्ट्स के अल्टरनेट होस्ट जो वाइल्ड बेर स्पीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, क्लीन कल्टीवेशन का यूज़ करना चाहिए, लार्वे को नष्ट कर देना चाहिए, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रक्शन कलेक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलन फ्रूट्स, हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट्स एट इमिजिएट आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के तुरंत बाद फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% वुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट द फ्रूट बोरर। अप्लाई क्लोरपाइरिफास जैसे इंसेक्टिसाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोरपाइरिफास, मेलाथियान, डायमेथोएट एट्सेट्रा। इस तरह से हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए गाइस बस इतना ही, थैंक यू।